दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे योनो SBI से अपने अकाउंट का स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है। ये प्रोसेस इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप करके जानेंगे, या फिर दोस्तों बिना योनो के आपको स्टेटमेंट निकालना है तो इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि आप बिना योनो के स्टेटमेंट कैसे निकाल सकते हो। अब दोस्तों योनो से स्टेटमेंट निकालने के लिए सबसे पहले योनो एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स के अंदर सर्च करना है योनो SBI। यहाँ पे आपको सर्च करना है योनो SBI। सर्च करने पर दोस्तों यहाँ पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे योनो एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक करके योनो एप्लीकेशन को अपडेट करना है। दोस्तों मेरा पहले से योनो एप्लीकेशन अपडेट है, तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट होने के बाद में यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से योनो एप्लीकेशन का लोगो देखने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों योनो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। बाद में इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों जो भी योनो एप्लीकेशन का MPIN है, वह MPIN यहाँ पे आपको डालना है। या फिर दोस्तों आप MPIN भूल गए हो तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से योनो एप्लीकेशन का MPIN प्राप्त कर सकते हो। या फिर दोस्तों आपने योनो के अंदर लॉगिन नहीं कर रखा है, तो योनो को चालू करना है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से योनो के अंदर लॉगिन हो सकते हो। अब दोस्तों जो भी आपका MPIN है यहाँ पे आपको डालना है। MPIN डालने के बाद में दोस्तों आपके मोबाइल के स्क्रीन पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके मोबाइल के स्क्रीन पे इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपका अकाउंट का जो भी बैलेंस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है, तो यहाँ पे आपको इस सिंबल पे क्लिक करना है। इस सिंबल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके अकाउंट का लास्ट का 10 ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको शो करेगा। अब दोस्तों आपको अपने अकाउंट का और भी ज़्यादा स्टेटमेंट निकालना है, तो यहाँ पे आपको एक सिंबल देखने को मिल रहा होगा। इस सिंबल पे आपको क्लिक करना है। इस सिंबल पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपको एक सिंबल देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पे आपको इस सिंबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको जितने दिन का स्टेटमेंट निकालना है आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो। एक महीने का आपको स्टेटमेंट निकालना है तो आप एक महीने का, तीन महीने का, या फिर आपको छः महीने का स्टेटमेंट निकालना है तो आप छः महीने का स्टेटमेंट निकाल सकते हो। या फिर दोस्तों आपको अपने अकाउंट का बाय डेट से स्टेटमेंट निकालना है तो आप बाय डेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ से बाय डेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। बाय डेट सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी स्टार्ट डेट है यहाँ पे आपको डालनी है, और दोस्तों जो भी आपकी लास्ट डेट है यहाँ पे आपको डालनी है। दोस्तों डेट डालने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों कैलेंडर ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपकी जो भी स्टार्ट डेट है, जिस दिन से आपको स्टेटमेंट निकालना है, वह डेट यहाँ पे आपको डालना है। बाद में ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों जो भी आपने डेट सेलेक्ट की है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाद में दोस्तों लास्ट डेट डालने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फिर से कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी जो भी लास्ट डेट है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। लास्ट डेट सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में अब दोस्तों आप देख सकते हो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आ गया है। आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपको अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है PDF के अंदर, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक सिंबल देखने को मिल रहा होगा। इस सिंबल पे आपको क्लिक करना है। या फिर दोस्तों आपको मेल पे सेंड करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपने मेल पे सेंड कर सकते हो। दोस्तों मेरे को PDF के अंदर स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड वाले सिंबल पे क्लिक कर रहा हूँ। डाउनलोड वाले सिंबल पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ सेकंड लोडिंग लेगा, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। बाद में इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो PDF डाउनलोड सक्सेसफुली, आपका स्टेटमेंट PDF के अंदर डाउनलोड हो गया है। अब दोस्तों आपको PDF को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2/5/1991, तो आपको 1991 को छोड़ना होगा। 0205 को डालना है, बाद में @ डालना है, बाद में आपके अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर के पीछे के 4-डिजिट नंबर यहाँ पे आपको डालना है पासवर्ड के अंदर। तो इस तरह से आपको पासवर्ड डालना है। अब दोस्तों जो भी आपका स्टेटमेंट PDF के अंदर डाउनलोड हुआ है, कमेंट्स के अंदर आपका PDF मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर फाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको अपने मोबाइल के अंदर फाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। फाइल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका PDF देखने को मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको PDF पे क्लिक करना है। PDF पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों जो भी आपका PDF का पासवर्ड बने वह पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है। पासवर्ड के अंदर दोस्तों जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेट और मंथ डालना है, बाद में @ डालना है, बाद में आपके अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर के पीछे के 4-डिजिट नंबर डालना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। आपकी जो भी सन है, ईयर है, उसे आपको छोड़ना है। बाद में दोस्तों इस तरह से पासवर्ड डालने के बाद में ओपन पे क्लिक करना है। यहाँ पे
ओपन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हो आपका अपने अकाउंट का स्टेटमेंट यहाँ पे निकल के आ गया है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से योनो एसबीआई से स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और दोस्तों आप योनो एसबीआई से स्टेटमेंट निकाल रहे हो तो आप योनो एसबीआई से केवल 150 ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट निकाल सकते हो, चाहे वह ट्रांजेक्शन आपने एक महीने में किया हो, चाहे छः महीने में 150 ट्रांजेक्शन किया हो, आपका छः महीने का स्टेटमेंट निकलेगा, या फिर आपने एक महीने में 150 ट्रांजेक्शन किया है तो आपका एक महीने का 150 ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट निकल के आएगा, 150 से ज़्यादा का स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते हो योनो एसबीआई से। अब दोस्तों आपको 3 साल तक का अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना है तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और यहाँ पे आपको आई बटन में भी वीडियो मिल जाएगा। आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से योनो एसबीआई से 3 साल तक का स्टेटमेंट निकाल सकते हो। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।